हाय एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेडलर मॉस लूमोग्राफ पेंसिल्स की। तो ये मेरे पास 6 शेड्स में अवेलेबल है और इसमें एच बी, 2B, 4B, 6B, 7B एंड 8B हैं। तो और आपको बड़ा वाला भी मिल जाएगा, बट उसमें बहुत सारे शेड्स थे जो मुझे नहीं भी चाहिए, तो मैंने बस यही ले लिया। और एक ही ज़्यादा यूज़ होता है, आपको पता ही होगा। वैसे इसके आप खोलेंगे तो आपको फर्स्ट एक चार्ट मिलता है, मतलब एक पेपर मिलता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें सारे पेंसिल्स के बारे में बताया गया है, लाइक डिफरेंट ग्राफाइट और डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल। आप अगर ख़रीदेंगे तो आप देख लेना। तो इसको मैंने थोड़े से एक दो ड्राइंग में मैंने यूज़ करके देखा था क्या ऐसे काम करता है। तो मुझे जो लगा कि वो जो नॉर्मल जो पेंसिल्स आते हैं उससे ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और ये पेंसिल थोड़ा हल्का है। आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको बहुत स्मूथ सी फीलिंग आएगी। अनदर थिंग इज़ कि आप दूसरे पेंसिल जब यूज़ करेंगे तो उसमें ना, मतलब ग्राफाइट में शाइन तो होता है, बट इसमें उस ग्राफाइट के से मतलब कम थोड़ा शाइन देता है। तो ये वाली इसकी प्लस पॉइंट है, उतना ज़्यादा शाइन नहीं करेगा जितना दूसरे चीप पेंसिल्स करते हैं। तो इसको हम अप्लाई करके देख लेंगे। और आर्ट लाइन के मेरे पास सारे शेड्स अवेलेबल नहीं है, 4B, 6B, 10B एंड 8B हैं, तो मैं उसकी से ही कंपेयर करूँगी। बाकी ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं लगेगा अगर आप बिगिनर हो तो। हाँ, ये तो है कि स्टेडलर की पेंसिल्स ज़्यादा अच्छी है, बट आपको अगर बिगिनर हो तो आप नॉर्मली आर्ट लाइन की पेंसिल्स यूज़ करो। दूसरे पेंसिल्स मैंने उतना खास कुछ यूज़ नहीं किया तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और हाँ, 10B स्टेडलर के 8B से ज़्यादा डार्क है, ऐसे ये 10B हैं, तो ये एक आर्ट लाइन की प्लस पॉइंट भी आप बोल सकते हो। ऐसे भी ये तो 10B है। तो ये मेरे पास कुछ आर्ट लाइन की पेंसिल्स हैं एंड ये कुछ स्टेडलर की पेंसिल्स हैं जो मैंने अभी न्यू न्यू ख़रीदा है। बाकी आर्ट लाइन तो मैंने बहुत यूज़ की थी, उसके बारे में मुझे पता है। और ये मैंने एक दर्शन का ड्राइंग की थी जो मैंने पूरा आर्ट लाइन से किया है। हाँ, ये काफ़ी ठीक ठाक लग रही है, मतलब अच्छा ही लग रहा है। मैंने आर्ट लाइन की, मैंने हेयर में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की क्योंकि ना मेरे पास मोनोज़ेड इरेजर है और मैंने मुझे लगा कि छोड़ो नहीं करते। तो ये मैंने स्टेडलर के पेंसिल से किया है। ऐसे तो मैंने इसमें ब्लेंडिंग वगैरह ज़्यादा नहीं की है, बस नॉर्मली पेंसिल से किया है। हल्का थोड़ा सा वो आपको कॉटन बर्ड से मैंने किए हैं। आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ साइड टू साइड। तो उसके पहले बता दूँ कि ये मैंने बनाया है तो इसमें बस मैंने शेडिंग की है, और थोड़ा सा कैमरे की वजह से उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा अच्छे से, तो मैं फ़ोटो दे दूँगी दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करके। और हाँ, स्टेलर के पेंसिल्स बहुत काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा जल्दी ख़त्म भी हो जाती है अगर आप डार्क यूज़ कर रहे हो तो। मेरा तो 8B बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा था, तो भी मैं इसको साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देखती हूँ। और हाँ, और एक बात, ये भी मैंने की है, आप देख लो। ये पूरा नहीं हुआ है बट मैंने इसको कंप्लीट करूँगी मैं।